अगर नहीं रोकी पति की दूसरी शादी तो कर लूंगी आत्महत्या। मामला हाईवे थाने का है। रामकृष्ण नगर कॉलोनी की रहने वाली पुष्पलता की शादी 2013 में जयपाल निवासी पालीखेड़ा के साथ हुई थी। अब मामला कुछ इस तरह है। पुष्पलता का कहना है कि उनके पति जयपाल ने उसके भाई को 2017 में मार डाला था, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है, जिसमें आरोपी जयपाल के कई बार वारंट भी आ चुके हैं और कोर्ट से कुर्की के आदेश भी हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाईवे थाना पुलिस आज तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसी क्रम में पुष्पलता का केस आरोपी जयपाल से कोर्ट में चल रहा है। अभी तक तलाक भी नहीं हुआ और आरोपी जयपाल अपनी दूसरी शादी कर रहा है, जिसकी सगाई 15 फरवरी 2023 को हुई थी। जैसे ही पुष्पलता को पता लगा, वो आज एसएससी ऑफिस पहुंची। उन्होंने वहां अपनी समस्या बताई। कोर्ट में केस चल रहा है, डिवोर्स फाइनल भी नहीं हुआ है और उसका पति दूसरी शादी कर रहा है। पुष्पलता ने कोर्ट के कागज दिखाते हुए एप्लीकेशन देकर एसपी सिटीबा सीईओ रिफाइनरी से बात की। उन्होंने हाईवे थाने भेजते हुए कहा कि उचित कार्रवाई होगी। पुष्पलता का 1-8 साल का बेटा भी है। उसका कहना है कि कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बावजूद भी अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, फिर मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा। अगर उसको शादी हुई तो मैं खुद को एसएसपी कार्यालय पर जिंदा जला दूंगी। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस क्रम में किस तरह कार्रवाई करेगी। क्या कोर्ट में केस फाइनल हुए बिना यशपाल शादी कर सकेगा या पुलिस इस शादी को रोक पाएगी। अगर ये शादी नहीं रुकी तो पीड़िता पुष्पलता ने आत्महत्या करने की धमकी दी है। सर, मेरा हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है और मैं यहाँ पर अपनी हस्बैंड की शादी को रुकवाने के लिए आई थी और सीईओ मैडम ने, एसपी सिटी साहब ने, एसएसपी साहब ने, सब ने ऑर्डर कर दिया कि शादी को रुकवाया जाए और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि शादी रुक नहीं सकती है। मुझे सुबह से अब दोपहर हो गई और भूखे प्यासे मैं पागलों की तरह भटक रही हूँ। अगर ये शादी नहीं रुकी तो मैं और अपने बच्चे को कल आत्महत्या कर लूँगी। क्या मामला है सर? मेरे हस्बैंड ने मेरे भाई का मर्डर कर दिया था 2017 में। मेरे भाई की वाइफ के साथ अफेयर चल रहा था, उसके चलते हुए उसने मुझे घर से निकाल दिया मारपीट के। मेरा केस चल रहा है कोर्ट में और 302 के वारंट जारी हो चुके हैं। 82 की कार्रवाई, 83 की कार्रवाई सब हो चुकी है और उसके बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाई कोर्ट में मेरी अपील पेंडिंग पड़ी है। यहाँ पे एक बच्चे तलाक ले लिया है मेरे हस्बैंड ने। अब ये कह रहे हैं कि अपील तो सब कर देते हैं, अपील का क्या है? और हाई कोर्ट से ये ऑर्डर लाने का मतलब ही क्या हो गया फिर? फिर तो इंसान डाइवोर्स लेके दूसरी शादी करता घूमे, वो तो सोच लेगा शादी तो हो गई है, अब हम मुकदमे लड़ते रहेंगे, जिंदगी भर लड़ना ही है फिर। आपने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दी? सर, मैंने एसपी सिटी साहब के यहाँ दी थी, सीईओ मैडम के यहाँ दी थी और एसएसपी ऑफिस दी थी और हाईवे थाने वालों ने यहाँ पे कॉल करके बोला कि शादी को रुकवाया जाए। अब ये कह रहे हैं कि शादी नहीं रुकेगी, तुम्हारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। तो आपको कैसे पता लगा कि शादी हो रही है? सर, मेरे पास सगाई की फोटोज हैं उसकी, कल उसकी सगाई है और कल ही शादी कर रहा है। कल शादी कर रहे हैं वो? जी। अगर शादी नहीं रुकती है तो? क्या? अगर शादी नहीं रुक पाती है तो? सर, शादी नहीं रुक पाती है तो फिर मैं ऐसे जीवन का करूंगी क्या? मैं खत्म हो जाऊंगी, अपने बच्चे को खत्म कर लूंगी। ये बच्चा है आपका? जी, ये बच्चा है मेरा। क्या कहना है आपका पुलिस? अरे, पुलिस भ्रष्ट हो चुकी है, ये कोई कार्रवाई नहीं करके देगी। ये घूस खाने वाली पुलिस हो गई है, इन्हें किसी के जीवन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक पुष्पलता मरेगी तो इनका क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ जाएगा? उनका तो पता है कि आते जाते रहते हैं ऐसे मुकदमे। तो सर, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला। मैं क्यों गई थी न्याय लेने की? डिवोर्स की डिग्री लेने के लिए गई थी वहाँ पे और यहाँ से भी मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ से मुझसे कहा जा रहा है कि शादी नहीं रुक सकती है, बोल रहे हो जाने तो शादी बाद में लड़ने ना। अरे, मैं इतनी करोड़पति हूँ क्या कि मुकदमे लड़ती रहूँ? और मुझे पैसा ही होता तो मुकदमे लड़ती क्या मैं? अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने तो मुझसे बोल दिया था कि शादी रुक जाएगी, तुम चले जाओ वहाँ पे। और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं शादी नहीं रुक सकती है, ये कह रहे हैं अपील की कोई वैल्यू है ही नहीं है, तुम्हारी गलत है, तुम्हारा स्टे नहीं है, अपील है। अधिकारियों ने बोल दिया था, उनके कहने से क्या हो रहा है? सर, ये अधिकारी कह ही तो सकते हैं, कार्रवाई तो यही करेंगे, अधिकारी थोड़ी ना करने जाएगा। यहाँ पे आपको कार्रवाई के लिए क्या कह रहे हैं? सर, मुझे ये कह दिया गया है कि तुम्हें कोर्ट से 6,000 रुपये मिल तो रहे हैं और तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो शादी इसलिए रुकवाना चाहती हो कि तुम्हारे अंदर ईगो भरा हुआ है कि इसकी शादी कैसे हो रही है। मतलब ये तो ये हो गया यूज एंड थ्रो वाला, जब तक मन किया तब तक रखे, अब तक फेंक दिया, अब दूसरी शादी करने चल दिया वो। मंडी चौकी में बोला गया आपसे? जी सर, मंडी चौकी के इंचार्ज ने बोला है मुझसे। क्या प्रदीप कुमार नाम है? जी सर।